हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील शुक्ला, आपका मेरी अपोलो होम्योपैथी क्लिनिक में स्वागत है। मित्रों, चलो आज मैं कुछ अलग चर्चा करता हूँ। मित्र, आज मैं चर्चा करूँगा सेक्स डिजीज़ के बारे में। मित्रों, आज की मॉडर्न लाइफ में हमारे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स जो है इससे सफ़र कर रहे हैं, इम्पोटेंसी को लेकर, सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नीम हकीम वैद्य को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्चुअल में अगर आपकी बीमारी है तो उसका इलाज संभव है। अदरवाइज किसी दूसरे का देख के, अखबारों में पढ़ के और जो है टीवी एडवर्टाइज देख के अपने को बीमार समझना बेकार है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ सेक्स की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, इम्पोटेंसी को लेकर बहुत बड़ी समस्या आ रही है आज के मॉडर्न लाइफ में, वो सबसे ज़्यादा टेंशन की वजह से आ रही है, अल्कोहल की वजह से आ रही है और किसी भी एडिक्शन की वजह से, अल्कोहल, सिगरेट, जो है ओबेसिटी को लेके आ रही है, फास्ट फूड को लेके आ रही है और बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, टेंशन की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। तो मित्रों, इसकी मैं आपको होम्योपैथी दवाई बता रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रही है और आपको यूज़ करना है। आप यूज़ करके एक बार देखिए, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। तो चलिए मित्रों, मैं बताता हूँ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में, बताता हूँ सिगरेट पतन के बारे में और धात रोग के बारे में मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ। अगर आपका लिंग टेढ़ा मेरा पतला, उसके लिए मैं मेडिसिन बता रहा हूँ। सबसे पहले मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन। अगर मित्रों आपका शीघ्र पतन हो रहा है तो उसके लिए सबसे बढ़िया होम्योपैथी मेडिसिन है कैंथ्रिस 30 सुबह दोपहर शाम दो बूंद लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलाडियम 30 सुबह लेना है दो बूंद। तीसरी जो मेडिसिन आती है यूस्टिलैगो 30 सुबह दोपहर शाम दो बूंद। इसके साथ मित्रों एक SBL का ड्रॉप आता है डैमियाना, उसको 10 बूंद 3 लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मित्रों इसको यूज़ करिए। अगर मित्रों आपकी उम्र ज़्यादा है, एक बार 40 है आप, उसके बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को लेके, सेक्स को लेके, तो आप लाइकोप 30 यूज़ करिए। लाइकोप 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम। अगर मित्रों आपका धात गिरता है, आपको लगता है कि धात की समस्या, सुबह लाइटिंग के समय सफ़ेद धात निकलता है पेशाब के साथ में, उसके लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है एसिड फास्ट 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट बूंद क्या 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम। सेलेनियम 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम। और थूजा मदर टिंचर 15 बूंद रात में सोते समय, थूजा मदर टिंचर 15 बूंद रात को सोते समय लेना है। इसके बाद मित्रों, अगर आपको लगता है कि आपका लिंग बहुत छोटा ठंडा पड़ गया, बिल्कुल स्टैंड ही नहीं होता है, कोई जोश नहीं आती है, उसके लिए आप सेलेनियम यूज़ करिए। सेलेनियम 30 सुबह दोपहर शाम दो बूंद। मित्रों बहुत जल्दबाजी रहती है, किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी रहती है, हड़बड़ी रहती है, उसके साथ अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप अजेंटम नाइटिकम 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए। मित्रों एक जनरल टॉनिक की तरफ पे काम करता है, उसको आप बना के रेगुलरली यूज़ करते हैं, सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको नोट कर लीजिए। डेमियाना क्यों, एवेनासटाइगा क्यों, अश्वगंधा क्यों, ये तीनों का मदर टिंचर लीजिए और तीनों का 10 बूंद ताज़े पानी में, एक कप ताज़े पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए। इसके बाद अगर मित्रों आपको लगता है कि आपका लिंग पतला है, छोटा है, तो उसके लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आती है वो आती है साइडोनिया वल्गैरिस 30 सुबह दोपहर शाम दो बूंद यूज़ करिए। और उसके साथ आप जो है अपने पेनिस पे जैतून का तेल मालिश कर सकते हैं सुबह शाम जैतून तेल मालिश करिए और साइडोनिया 30 का दो ड्राप सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए। और इसके दरमियान आपको 1 तक जो है सेक्स नहीं करना है, बिल्कुल भी सेक्स नहीं करना है। इसके साथ ही मित्रों आप एग्नस कस्टस मदर टिंचर का
10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करिए, जो कि आपको ताकत प्रदान करेगा। और जल्दी जो मित्रों को बहुत ही जल्द से दिक्कत आने लगती है प्रीमैच्योर एक्युमुलेशन से, वो सही होता है। इसके अलावा और भी कोई अगर समस्या हो मित्रों, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9793384।